ओके, गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट विद एस ब्लॉक। नाउ लास्ट टाइम वी हैड स्टार्टेड विद अनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, अनोमलस बिहेवियर। यस सर, वी हैड स्टार्टेड विद सिमिलैरिटीज विद मैग्नीशियम। ना वो खत्म हो गया था। हाँ, तो भाई तो वो खत्म हो गया था एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ठीक है, तो देखो कौन से एलिमेंट्स अनोमलस बिहेवियर दिखाएंगे। लिथियम दिखाएगा, बेरिलियम दिखाएगा, बोरॉन दिखाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे अनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं। याद रखना अनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एक ब्लॉक में जो पहला एलिमेंट रहता है वो हमेशा अनोमलस बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसके साथ सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब याद रखो डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम और मैग्नीशियम में बहुत डोमिनेंट रहता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी रहता है, बोरॉन और सिलिकॉन में भी रहता है, बट इसके बाद हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप नहीं करते हैं। मतलब कार्बन और फॉस्फोरस में ज्यादा कुछ सिमिलरिटीज नहीं है, तो डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग तीन जगह पे पढ़ेंगे, लिथियम बेरिलियम, सॉरी लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका रीजन मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम रीजन भी बताया था, बट वापिस एक बार रीजन देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट के अनोमलस बिहेवियर का रीजन पूछा, रीजन ऑफ अनोमलस बिहेवियर, और वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का मतलब क्या है? लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को तीन रीजन बताए थे, बता सकते हो मुझे कौन से तीन रीजन थे? नंबर वन इज स्मॉल साइज, वेरी नाइस। तो नंबर वन वॉज स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई पोलराइजेशन पावर, वेरी नाइस। तो स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर। ठीक है, ये एस ब्लॉक के लिए था। ठीक है, अब उसी बदले अभी मैंने तुम लोगों को बताया पी ब्लॉक वाले भी तो दिखाते हैं, तो एक ही जगह पे हम लोगों के अगर नोट्स अच्छे से बने रहेंगे तो आगे भी हम लोगों को हेल्प होगी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में अनोमलस बिहेवियर किसकी वजह से दिखता है? पी ब्लॉक एलिमेंट में अनोमलस बिहेवियर किसकी वजह से दिखता है? तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन। ठीक है, इनमें अनोमलस, याद रखो नोबल गैस नोबल ही है, वो कभी भी अनोमलस बिहेवियर शो नहीं करेगी, वो अपने ग्रुप के साथ मैच करती ही है। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं अनोमलस बिहेवियर किसकी वजह से दिखता है। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज सेम, फर्स्ट पॉइंट इज स्मॉल साइज, सेकंड पॉइंट इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड पॉइंट, अब याद रखो पोलराइजिंग पावर जो है वो मेटल्स की रहती है, वो किसकी रहती है? मेटल्स की। ठीक है, अब नॉन मेटल्स में, हेत करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस, नॉन मेटल्स में हम लोग पोलराइजिंग पावर नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, याद रखो पोलराइजिंग पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेट मी एक्सप्लेन इट। पोलराइजेशन कैसे होता है? एक मेटल था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसके बाजू में आ गया एक अनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कटायन और अनायन। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा डिस्टॉल्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा डिस्टॉल्ट हो गया एंड ये ऐसे एग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दिस इज, हाँ फजान्स रूल में हम लोगों ने ये पढ़ा था, एंड दिस इज पोलराइजेशन, दिस इज वॉट पोलराइजेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ दिस इज नथिंग बट अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज ना, एंड द एबिलिटी टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पोलराइजिंग पावर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है दोनों, थर्ड पॉइंट भी सेम है, बट उसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, पोलराइजिंग पावर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑलमोस्ट सेम पहले तीन पॉइंट है, एक फोर्थ पॉइंट एक्स्ट्रा का आ जाता है, किसी को याद है फोर्थ पॉइंट एक्स्ट्रा का? फोर्थ पॉइंट जो एक्स्ट्रा का है,
Nope. Correct. D electrons. Absence of D orbital. ये किसने बोला था? सिद्धि ने बोला था. सिद्धि करेक्ट आंसर था आपका. Absence of D orbital. याद रखो, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इज 4, और नीचे वालों की बढ़ जाती है. एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस इन सब की बढ़ जाती है, पता है ना? तो ये एनोमलस बिहेवियर का ही पॉइंट है. इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी रहती है 4, इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी रहती है 6. तो ये एनोमलस बिहेवियर का ही पार्ट था, ठीक है? तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. ओके, तो ये दो रीजन है और कुछ नहीं. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम. ठीक है, बेरिलियम के एनोमलस बिहेवियर क्या है? तो नंबर वन, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर. ठीक है, बेरिलियम एक इकलौता ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है जो एम्फोटेरिक होता है. जो क्या होता है? एम्फोटेरिक. तो मुझे एक ही रिएक्शन तुम लोगों को वापस याद दिलानी है, BOH twice plus 2NaOH. ठीक है, अब NaOH क्या है? तो मेरे ख्याल से NaOH एक बेस है, तो बेरिलियम कैसे एक्ट करेगा? मतलब BOH twice, ये एक एसिड जैसे एक्ट करेगा. ठीक है, इन दोनों के बीच में एसिड और बेस रिएक्ट करके बनाएंगे सॉल्ट. अब सॉल्ट कौन सा बनता है? सॉल्ट बनता है Na2 BeOH 4 टाइम्स. याद है मैंने तुम लोगों को इसका स्ट्रक्चर सोचने के लिए बताया था, और बाद में मैंने लास्ट लेक्चर में इसका स्ट्रक्चर बता भी दिया था तुम लोगों को कि कैसे होता है. ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर टू, सोडियम मेटा बेराइल हाइड्राइड होगा ये. बोरो नहीं, बोरो बोलोगे तो बोरॉन हो गया, ये बेराइल है, बेराइलेट. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. बेरिलियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस. सो बोलो, अगर फ्लोरीन नियॉन के, नियॉन बोल रहा हूँ, आर्गन के साथ रिलेशन दिखाता है? नहीं दिखाता. ये देखो, मैंने ऐसे किया ही नहीं है ना. यहाँ तक ही डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पर ही है, खत्म. इसके आगे वाले डायगोनल रिलेशनशिप नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ अनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं. वो बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट दिखाएंगे, बट बाजू वाले जिस तरह जैसा नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाता. तो ये अपने सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बनाता है. मतलब अगर मेरे पास एक बेरिलियम है, ऐसा एक मेटल है बेरिलियम का, ठीक है, एंड इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में ये रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, एंड रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा तो ये बनाएगा बेरिलियम ऑक्साइड BeO. अब ये एक अपने ऊपर ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा लेगा, एंड फिर रिएक्ट करना बंद हो जाएगा. मतलब अंदर की तरफ बेरिलियम सेफ रहेगा, एंड बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई. ठीक है, तो मुझे बताओ ये प्रोटेक्टिव लेयर और कौन सा एलिमेंट बनाता है? तो आई गेस एल्यूमिनियम भी बनाता है. तो दोनों सेम है, एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम भी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. समझ में आ रहा है डायग्रल रिलेशनशिप कैसे होने वाला है? अब थर्ड पॉइंट, क्लोराइड ऑफ बेरिलियम, मतलब BeCl2 shows dimerization. अब ये क्या है? अभी ये क्या नई नई चीज आ गई, वो देखते हैं. देखो, BeCl2 ऐसे कुछ दिखने वाले हैं, ठीक है, एंड मुझे बताओ यहां पे बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहां पे बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो एट करेक्ट आंसर है, कोमल करेक्ट आंसर है. तो यहां पे बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहे हैं? करेक्ट आंसर था यश अजिंक्य, करेक्ट.
याद रखो अभी भी अगर तुम लोग दो बोल रहे हो तो प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो. ये दो इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास पहले से थे, क्लोरीन के दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो टोटल हो गए चार इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब मुझे बताओ ये स्टेबल होना चाहिए अनस्टेबल होना चाहिए? तो ऑब्वियसली ये अनस्टेबल होना चाहिए बिकॉज ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. अब ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए बेरिलियम क्या करेगा? तो यहाँ पे बेरिलियम के दो स्टेट रहते हैं, एक रहता है गैसियस स्टेट, गैसियस फॉर्म, विच एग्जिस्ट एट 2000 डिग्री सेल्सियस. 2000 डिग्री सेल्सियस पे ये गैसियस फॉर्म में रहता है एंड वहां पे ये डाइमर फॉर्म करेगा. क्या फॉर्म करेगा? डाइमर. ठीक है, अब डाइमराइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं. स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो. बीई टी एल टी एल, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया. बीई टी एल टी एल. ठीक है, अब बेरिलियम सिर्फ चार ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, तो क्लोरीन क्या बोला, भाई तू टेंशन मत ले, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोन पेयर को शेयर करेंगे. तो क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन बेरिलियम को दे दिया. कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इस क्लोरीन ने भी सेम किया, एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम को दे दिया. कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर बेरिलियम के आउटर मोस्ट में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पर बेरिलियम के आउटर मोस्ट में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वेरी नाइस, तो इन करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पर तुम लोगों को अभी बेरिलियम के आउटर मोस्ट में छह इलेक्ट्रॉन दिखेंगे. दिख रहे हैं क्या? देखो, एक दो तीन चार पांच छह. ठीक है, अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे जो बॉन्ड है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो मेरे ख्याल से दो इलेक्ट्रॉन्स है. एंड कितने एटम्स है? तो मेरे ख्याल से दो ही एटम्स है. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ठीक है, अब नीचे वाले में मुझे बताओ, यहां पर ऊपर वाले में जाते हैं, यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए? तो चार इलेक्ट्रॉन शेयर हुए. एंड कितने के बीच में है, कितने एटम्स है? एक दो तीन. तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. वेरी नाइस. ठीक है, ये सेम एल्यूमिनियम में किया था डेविड, करेक्ट आंसर था. Al2Cl6 के टाइम पे ये सेम हुआ था, अगर याद होगा प्लीज रिवाइज करते रहना. ठीक है, ये था गैसियस फॉर्म एंड दूसरा रहता है सॉलिड फॉर्म. सॉलिड फॉर्म भी स्टडी कर लेते हैं. सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट बिलो 2000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड यश वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है. ये एक नेटवर्क सॉलिड बनाएगा, यहाँ पे ये बनाता है पॉलीमर. ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉलीमर बनाएगा. अब पॉलीमर कैसे बनता है वो देख लो. बीई सी एल सी एल बीई सी एल सी एल बीई सी एल सी एल, बस हो गए इतने. बीई सी एल सी एल. ठीक है, अब हर एक बेरिलियम के पास आउटरमोस्ट में चार चार इलेक्ट्रॉन्स है. अब चार चार इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को अच्छे नहीं लग रहे, तो हर एक क्लोरीन क्या बोलेगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन मुझे एक इलेक्ट्रॉन तुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. एक इलेक्ट्रॉन मुझे एक इलेक्ट्रॉन तुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. यहाँ पर भी सेम होगा, ये ऐसे चालू रह जाएगा, चलते रहेगा. ठीक है, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये बेरिलियम को इधर से कोई देगा, इस बेरिलियम को इधर से कोई देगा. ये समझ में आ रहा है, ऐसे ज़िगज़ैग पैटर्न बनते चला जाएगा, नथिंग एल्स. तो ये हो गया पॉलीमर. पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट्स. ठीक है, तो एनी डाउट? ओके, आज कोई दूसरे बैच के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं क्या? स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए अचानक से. विले पार्ले और अंधेरी छोड़ के दूसरे कोई बैच का स्टूडेंट बैठा है आज? ऐसे कुछ मैं भगाने नहीं वाला हूँ, पूछ रहा हूं. यश कल पॉसिबल नहीं है, कल मेरे पहले से बहुत सारे लेक्चर्स हैं. क्लोरीन बैकबॉन्ड नहीं बना सकता, याद रखो क्लोरीन बैकबॉन्ड नहीं बना सकता. क्लोरीन बैकबॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन इजीली बैकबॉन्ड नहीं बना पाता. साइज इज द रीजन, करेक्ट बोल रहे हो. अब
नेक्स्ट, अभी तुम लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ये तो आना ही चाहिए, अगर ये भी नहीं आ रहा है तो ओके। अजिंक्य करेक्ट आंसर है, हेत करेक्ट आंसर है, स्नेहा करेक्ट है। तो ओवर हियर तीन बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओवर हियर फोर बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड जब सिर्फ BCl2 है इसके ऊपर ही सिर्फ पूछा तो तुम लोग बोलोगे sp हाइब्रिडाइजेशन। दिख रहा है, देखो कितनी मस्त चीज है, पहले sp था, पॉलीमराइजेशन की वजह से sp3 हो गया, डाइमराइजेशन की वजह से sp2 हो गया, एक साथ तीनों के तीनों हाइब्रिडाइजेशन दिखेंगे। ओके, 2000 के ऊपर डाइमराइजेशन होने का रीजन क्या है पता है? हम लोग हीट बढ़ाते जाएंगे ना तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, हीट बढ़ाने की वजह से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ऐसे इधर से एंड इधर से, समझ, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। 2000 डिग्रीज पे बॉन्ड जैसे ब्रेक हो जाते हैं एंड तुम लोगों के पास एक डाइमर बचता है, देखो ये डाइमर है, दिख रहे देखो डाइमर, ठीक है। तो 2000 डिग्रीज के ऊपर मतलब हीट बढ़ाने की वजह से डाइमराइजेशन होने का रीजन यही है कि हीट बढ़ने के बाद बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। ओके, तो अब ये सेम चीज एल्यूमिनियम भी दिखा सकता है, बात खत्म, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की रिविजन नहीं चाहिए ना तुम लोगों को, Al2Cl6 याद होगा, फोर्थ पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या, तो कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो चलो देखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक एग्जाम्पल याद दिलाता हूं तुम लोगों को, Na2 Be OH 4 times सप्तम, ठीक है, नथिंग एल्स। तो यहां पे तुम लोगों को इसका स्ट्रक्चर पता होगा, बेरिलियम OH 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 एंड OH, ठीक है, इसके ऊपर -2 चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 Na प्लस आ जाते हैं, याद है ना, ठीक है। यस अजिंक्य, ऐसे भी हो सकता है। अब एल्यूमिनियम का एग्जांपल, एल्यूमिनियम में तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, Na3 Al OH 6, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, 6 बॉन्ड्स है, 6 बॉन्ड मतलब स्ट्रक्चर कैसे आना चाहिए, कोई बताना चाहेगा, 6 बॉन्ड मतलब स्ट्रक्चर कैसे आना चाहिए। वेरी नाइस अजिंक्य, करेक्ट बोल रहे हो, अके स्टूडेंट्स आंसर दो, असीम करेक्ट है, नया करेक्ट है, ओके। तो 6 बॉन्ड्स मतलब ज्योमेट्री हो जाती है ऑक्टाहेड्रल, कौन सी हो जाती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसके ऊपर -2 चार्ज क्यों आया, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने तुम लोगों को पहले दिया था, वापस एक बार देख लो चाहिए तो, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है +2 क्योंकि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, OH के ऊपर चार्ज रहता है -1 -1 -1 -1 +2 -4 -2 ओवरऑल चार्ज, ठीक है। कोऑर्डिनेट सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों है ये हम लोग नेक्स्ट ईयर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, अभी के लिए स्ट्रक्चर देख लो सिर्फ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी तक हम लोगों का पढ़ के हुआ नहीं है ना, तो इसमें डाउट्स तुम लोगों को थोड़े बहुत आ सकते हैं, बट वो हम लोग नेक्स्ट ईयर क्लियर कर लेंगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज कितना आना चाहिए, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 OH के ऊपर -1 बताओ ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, -3 करेक्ट है,
एंड इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग तीन Na प्लस को अटैच कर देंगे, ठीक है, सबके आंसर करेक्ट है, तो बस खत्म। ये है अनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है, एंड इसके अलावा तुम लोगों को और कुछ याद नहीं रखना है। तो अनॉर्मलस बिहेवियर में किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, ये कंप्लीट कर दो जिस किसी का लिखना बाकी है। दिख रहा है सबको? लिख लो, फिर अभी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डन सर। ओके यस सर, डन सर। आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके टुडे विल स्टार्ट विथ नीट एमसीक्यूज। नीट के बच्चों को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि उनको कोई भाव नहीं मिल रहा है, तो वी स्टार्ट विथ नीट एमसीक्यूज। सर लाइक डाउट सेशन, डाउट सेशन बोलने के बदले वी कैन से दैट इट्स एम सी क्यू सॉल्विंग सेशन। तुम लोगों को, तुम लोगों ने अगर एम सी क्यू सॉल्व किया और तुम लोगों को डाउट है तो डेफिनेटली यू गाइस कैन सेंड इट, बट अभी तक होमवर्क में मुझे इतना दिखा तो नहीं है कि बहुत लोगों ने एम सी क्यू सॉल्व किए हैं, ठीक है। ओके सर, सेंड माय डाउट्स। हाँ, वेयर आई वॉज, हाँ, किसी ने तो एक डाउट पूछा है कि यहाँ पे हम लोगों ने बी ओ एच ट्वाइस को एसिडिक क्यों लिया है, ठीक है, जरा देखते हैं। देखो बी ओ एच ट्वाइस यहाँ पे मैंने एसिडिक लेने का रीजन बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद बेस, उसी बदले यहाँ पे ही चाहिए तो एक और एक रिएक्शन ऐड कर दो बी ओ एच ट्वाइस प्लस एच सी एल अगर होता तो हम लोगों को क्या मिलता। नाउ HCl is an acid, so it will act as a base. So BOH twice can act as both acid as well as base. ठीक है? So now what will happen? यहाँ पे two times, दो OH, दो H, दो water बनाएंगे, plus Be Cl2 मिल जाएगा, ठीक है? तो acid के साथ it will act as a base, base के साथ it will act as a acid, ठीक है? So समझ में आ गया होगा। लेट मी सेव दिस पीडीएफ फर्स्ट, फिर हम लोग एक फ्रेश पेज ले लेंगे। सर मुझे डाउट था। हम्म, सर एल्युमिनियम के पास डी ऑर्बिटल है तो सर फिर वो 8OH के साथ क्यों नहीं बॉन्ड करेगा? वो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 की है, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, किसी भी एक चीज की एक लिमिट रहती है मैक्स टू मैक्स, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट रहती है 6 की। सर इसके अलावा फिर भी बोलो, P के 3 ऑर्बिटल होंगे और D के 5 ऑर्बिटल होंगे ना? हाँ वही, तो फिर 8 हो जाएगा। बताता हूँ एक मिनट, यहाँ पे ऑब्वियस है
अगर ऐसा कुछ बन रहा है मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस पी थ्री डी टू डी टू। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं, एक एस का है, दो पी के हैं, सॉरी तीन पी के हैं और दो डी के हैं। अब हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में एक रूल लिखा था कि अगर मिक्स करोगे, शादी करोगे, तो अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी चाहिए, और डी के एनर्जी अच्छी खासी हाई रहती है। तो हाई एनर्जी वाले अगर हम लोग डी ऑर्बिटल ज्यादा यूज करने लग गए, ठीक है, अब दो तक ठीक है, दो तक मैनेजेबल है, बट अगर हम लोग और आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए तो एनर्जी बढ़ते जाती है, क्योंकि डी एनर्जी, डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो अगर हम लोग 7 तक गए या फिर 8 तक गए या फिर पूरा 9 तक गए तो एनर्जी उतनी बढ़ते जाएगी। तो ऐसा है क्या कि 9 तक बॉन्ड्स फॉर्म होते ही नहीं, तो होते हैं, बट एल्यूमिनियम में वो टेंडेंसी नहीं है, एल्यूमिनियम उतनी एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, अब याद रखना हमारे सिलेबस में मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 की है, ठीक है। एक हाथ दूसरा एक्सेप्शन है जो मैं तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी हमारे पूरे सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने बनेंगे, तो 6 ही बनेंगे, ठीक है। हाँ भाई, मैंने जो बोला एक हाथ दूसरे एक्सेप्शन है, तो IF7 एक्सेप्शनल केस पकड़ लो, ठीक है। तो बट मैक्सिमम कोवेलेंसी हम लोगों के सिलेबस में 6 तक ही है ज्यादा करके, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़े। सर आई सेंट यू माय डाउट्स। हाँ करते हैं वो, ये मैंने सेव कर दिया था ना, ठीक है, ये मैं बाद में तुम लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। सब लोगों को देख रहे हैं, अरे बोरॉन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, नहीं दिख रहा है मुझे, तो दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। ओके, तो कुछ लोगों ने नहीं बोला था इसलिए, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ब्लर है, द अल्कली मेटल्स विच फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एज वेल एज सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो करेक्ट, अब मुझे बताओ मैंने तुम लोगों को सुपर ऑक्साइड के लिए क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है, तो सुपर ऑक्साइड के लिए मैंने क्या बताया था, क रेशमा, ठीक है। तो ये दोनों सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, अब जो चीज सुपर ऑक्साइड फॉर्म करने वाली है वो पेरोक्साइड तो फॉर्म करने ही वाली है, एंड जो चीज पेरोक्साइड फॉर्म करने वाली है वो ऑक्साइड भी तो फॉर्म करेगी। मैंने तुम लोगों को सोडियम के लिए लिख के दिया था, आई गेस सोडियम के लिए मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था कि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो तुम लोगों को Na2O बना के तो देने ही वाला है, वैसे ही सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O2 बनाएगा, ये मैंने तुम लोगों को लिख के दिया है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को याद होगा, तो जो चीज सुपर ऑक्साइड बना रही है इट कैन फॉर्म पेरोक्साइड एज वेल एज ऑक्साइड, ये कंपाउंड पेरोक्साइड एंड ऑक्साइड तो बनाने ही वाले हैं। हम लोगों ने ये ऐसे एक सोडियम का एग्जांपल देखा भी था, नोट्स चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं तुम लोगों को ग्रुप पे पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, जिस किसी को पीडीएफ चाहिए। बाय द वे तुम लोगों के पास मॉड्यूल्स है तो मॉड्यूल्स सामने रखोगे तो वो अच्छा ही हो जाएगा, इजी करेगा। पीडीएफ ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ मैं, Na सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, Na पेरोक्साइड ही बनाता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एज कम्पेयर टू पोटेशियम सोडियम हैज, बताओ तुम लोग, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो एंड ऑप्शंस मुझे, मतलब आंसर सेंड करना स्टार्ट कर, आंसर सेंड करो मुझे, ठीक है? देखते हैं. एज कम्पेयर टू पोटेशियम सोडियम हैज, ओके, अब अच्छे से देखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एज कंपेयर टू पोटेशियम सोडियम है, क्वेश्चन सोडियम के ऊपर है. जो कोई ग्रेटर एटॉमिक रेडियस बोल रहा है वो पोटेशियम को सोच रहा है. तुम लोगों को पोटेशियम के बारे में नहीं सोचना है, तुम लोगों को सोडियम के बारे में सोचना है. तो जिस किसी ने ऑप्शन थ्री बोला था दे आर रॉन्ग, ठीक है, एंड जिस किसी ने ऑप्शन टू बोला है दे आर करेक्ट. तुम लोगों को पोटेशियम और सोडियम में कंपेयर करना है और सोडियम के बारे में पूछा है, ठीक है? पोटेशियम एंड सोडियम में कंपेयर करने बोला है एंड सोडियम के बारे में पूछा है. तो सोडियम हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, बराबर के नहीं, ठीक है? टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. तो सोडियम हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम. जिस किसी ने ऑप्शन सी सेंड किया था, तुम लोगों की मिस्टेक कहाँ पे हो रही थी समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग पोटेशियम के बारे में सोच रहे थे, क्वेश्चन था सोडियम के ऊपर, ठीक है? चलो आगे बढ़े. अब क्वेश्चन नंबर फोर इज वेरी इजी. अल्कली मेटल शोज ओनली प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इग्नोर करता है. पोटेशियम इज केप्ट इन, कहाँ पे रखेंगे बताओ? तुम लोगों को ये स्कूल में बताया गया था. पोटेशियम किस में रखते हैं? केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है? याद रखना, पोटेशियम सोडियम कोई भी अल्कली मेटल केरोसिन में रखा जाता है. पानी में रखोगे तो वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं. सेम अल्कोहल के साथ होगा, लिक्विड अमोनिया के साथ भी वो रिएक्ट करने ही वाले हैं, ठीक है? तो ये सारी रिएक्शन में तुम लोगों को एक एक दिखा देता हूँ. मैं सोडियम के साथ पोटेशियम के साथ की रिएक्शन दिखा देता हूँ. अल्कोहल, अल्कोहल के साथ कौन सी रिएक्शन होगी? अगर समझो मेरे पास सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन ज्यादा करके पूछी जाती है, तो सोडियम ही ले लेते हैं. मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, दारू, इसको मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट किया, तो ऑक्सीजन कैरीज माइनस चार्ज, दिस विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन कल्टी मारेगा. तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट C2H5O Na प्लस माइनस प्लस अ सिंगल हाइड्रोजन. अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, वैसे हम लोगों को दो हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि H2 गैस रिलीज होनी है. तो दो अल्कोहल, दो सोडियम एंड दो इथाइल, सॉरी सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम लिख दो. ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा. Na इसलिए सोडियम, इथाइल ग्रुप को ऑक्सीजन अटैच्ड हो गया, तो इथाइल को ऑक्सीजन हो गया तो इथॉक्साइड, इथाइल प्लस ऑक्साइड इथॉक्साइड. समझ में आ रहे हैं नाम? ये किसी को डाउट है? सोडियम इथेनोएट नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सोडियम इथेनोएट, जिस किसी को ये इथेनोएट लग रहा है, इथेनोएट ऐसा रहता है, दिस इज इथेनोएट. ओएट कब आएगा? जब कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है? कार्बोनिल ग्रुप अगर होगा तो इथेनोएट. ओएट कब आएगा? जब तुम लोगों को सी डबल बॉन्ड हो, ओ ग्रुप दिखेगा. अभी नहीं आने वाला है, ठीक है? ये जस्ट ऑक्साइड है, ओ. चलो आगे बढ़ते हैं. अब वाटर के साथ वाली रिएक्शन, वाटर के साथ वाली रिएक्शन तो हम लोगों ने की भी थी. तो Na है प्लस HOH, ओ के ऊपर डेल्टा माइनस, दिस के ऊपर डेल्टा प्लस. डेल्टा माइनस विल अटैक Na एंड विल फॉर्म NaOH. किसी को भी किसी भी रिएक्शन में कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना. हाइड्रोजन निकल गया, ये टू टाइम्स. आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट आना चाहिए. एंड अमोनिया, अगर मैंने सोडियम अमोनिया में रख दिया तो पहले मुझे बताओ कलर कैसा दिखता है? सोडियम अगर मैंने अमोनिया में रख दिया तो कलर क्या होता है? ब्लू हो जाता है. वेरी नाइस स्विन. तो यहाँ पे कलर हम लोगों को ब्लू दिखता है और किसी ने तो आंसर दिया है आई गेस. जस्ट मिनट, यस करेक्ट आंसर है. तो देखो कैसे होगा, दो सोडियम एंड अमोनिया. तो अमोनिया को मैं N-NH2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, NH3 है ना, तो ऐसे लिख दिया. वाटर जैसे H-OH लिखते हैं. अब यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज अटैक करेगा सोडियम के ऊपर एंड इट विल गिव मी Na NH2 प्लस हाइड्रोजन निकल गया. तो टू टाइम्स. इसे हम लोग बोलते हैं सोडामाइड.
ठीक है, सोडियम अमाइड बोलो या सोड अमाइड बोलो, सोडा अमाइड, ठीक है, दोनों नाम करेक्ट है। तो यहाँ पे अल्कोहल, पानी और अमोनिया, इन सब में सोडियम या फिर पोटेशियम रिएक्ट करने ही वाले, तो रिएक्ट करेंगे तो हम लोग इसको वहां पे रख नहीं पाएंगे। हम लोग कहाँ पे रखेंगे, केरोसिन में रखेंगे। समझ में आ रहा है रीजन? अल्कली मेटल सॉल्ट्स आर, याद रखो अल्कली मेटल्स के सारे सॉल्ट्स कलरलेस रहते हैं, तो कलरलेस, और सारे के सारे डायमैग्नेटिक रहते हैं, तो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब क्या, तो वीकली रिपेयर्ड बाय मैग्नेट, ठीक है। इसका अभी रीजन, क्वेश्चन फाइव का रीजन बताओ। क्वेश्चन फाइव मैं खुद से लिख रहा हूं, व्हाई अल्कली मेटल सॉल्ट्स आर डायमैग्नेटिक। कलरलेस वाली प्रॉपर्टी तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट ये डायमैग्नेटिक क्यों है? ओके, किसी ने तो भेजा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो मुझे भी पता है, बट ये प्रूव कैसे करोगे कि इसमें सारे के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो देखो, तुम लोगों को अगर कभी किसी ने थियोरी में पूछा, तुम लोगों को थियोरी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट स्टिल, तो NaCl, NaCl में अल्कली मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, मतलब मेरे पास Na प्लस है। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहती है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। अब प्लस चार्ज आया, मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट का निकाल दिया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लूंगा तो 1s2, 2s2, 2p6। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर इसका ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करूँ तो तुम लोगों को सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज डायमैग्नेटिक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये इसका प्रूफ है कि व्हाई दे आर डायमैग्नेटिक। अब और एक चीज याद रखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड रहता है कलर्ड, ये हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं, बट कलर का भी क्वेश्चन है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो कंपाउंड रहता है कलरलेस, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर का पार्ट है, बट अभी से थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, करेक्ट बोल रहे हो यश। इन एक्वियस सॉल्यूशन लार्जेस्ट आयन, सबसे बड़ा आयन कौन सा रहेगा? ये सबको आंसर आना चाहिए, इसका आंसर बता दो सिक्स्थ क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ेंगे। ना कुछ भी पीछे ये आंसर दिया, अरे हाँ एक्वियस, सॉरी एक्वियस कंडीशन, करेक्ट। और इसका रीजन, Li प्लस एक्वियस का रीजन, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी के मल्टीलेयर बनते हैं। हाँ, मल्टीपल लेयर्स बनते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है Li प्लस एक्वियस, एक्वियस फॉर्म में दिया था ना, मैंने भी वो देखा नहीं एक्चुअली। ओ Li प्लस, इसके आजू बाजू में पानी सराउंड कर लेता है एंड इट फॉर्म्स अ मल्टीपल लेयर, मल्टीलेयर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तुम लोगों को फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड ऑल पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे ये डबल लेयर फॉर्मेशन है फिजिक्स में, तो शायद तुम लोगों को सिलेबस में होगा शायद, ठीक है, मुझे भी याद नहीं है फिजिक्स में तुम लोगों को 11th 12th में है कि नहीं, बट यहाँ पे मल्टीलेयर फॉर्मेशन जब होता है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी फॉर्म होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। इन दो वाटर के लेयर्स में, ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct regarding alkali metal? ये तुम लोग कर लोगे, बोलो। सर, फिर भी पर नहीं, CS plus से इतना बड़ा कैसे हो सकता है? Multilayer formation. Okay, हाँ। अब देखो, पहली बात, positive charge आने की वजह से cation की size पहले से कम हो जाती है ना, तो इसकी size पहले से थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, एंड उसके बाद उसमें मल्टीपल लेयर होता है। एक्सेप्शनल पकड़ सकते हो कि दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, नथिंग एल्स। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन फ्लेम टेस्ट के गिव्स, मैंने तुम लोगों को फ्लेम टेस्ट के बारे में पढ़ाया नहीं है,
ठीक है ओके, तुम लोगों को ये टेंथ में था? नहीं सर, गेस किया। ओके, वो क्वेश्चन नंबर एक लॉजिकल गेस किया क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर भी वैसा ही रहता है ना थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली सर, पोटेशियम परमैंगनेट वाज द गेस। ओके, ओ फ्लेम टेस्ट होता क्या है वो देखते हैं। ओके हाँ, आईसीएसई बोर्ड में रहता है, करेक्ट सिद्धि। तो आईसीएसई बोर्ड वालों को ये पहले से हुआ होगा। अब फ्लेम टेस्ट होती क्या है और करते कैसे वो देखते हैं। पहली बात, फ्लेम टेस्ट है तो फ्लेम लगने वाली है, तो हम लोग बंसन बर्नर यूज करेंगे। ठीक है, बंसन बर्नर बाय द वे मुझे बताओ अपने नॉर्मल बर्नर और बंसन बर्नर में डिफरेंस क्या है? सोचना, बंसन बर्नर सुना है ना बहुत बार, यूज भी किया है। यूज भी किया है, ओके। तो नॉर्मल नॉर्मल बर्नर और बंसन बर्नर में फर्क क्या है? सर उसका ऑक्सीजन सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट करेक्ट बट नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, मोर ऑक्सीजनेटेड। ओके हाँ, है रे, तुम लोगों को पहले से पता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक होल रहता है, ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ एक होल रहता है और इस होल में से कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन जाता है, एंड कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन मिलने की वजह से यहाँ पे बंसन बर्नर में हमेशा कंप्लीट कंबशन होता है। याद रखो, कंप्लीट कंबशन। बंसन बर्नर में हम लोग जो कोई भी फ्यूल यूज करते हैं, इट अंडरगोस कंप्लीट कंबशन। ठीक है, एक छोटे से होल के वजह से कंप्लीट कंबशन अचीव हुआ था, एंड जिसकी वजह से बंसन बर्नर में हम लोगों को हमेशा ब्लू फ्लेम दिखती है। तुम लोग अगर घर पे कोई चीज जलाओगे तो वहां पे तुम लोगों को येलो फ्लेम दिखती है। येलो फ्लेम मतलब इनकम्प्लीट कंबशन, जिसमें से ब्लैक सूट बाहर निकलता है, बट बंसन बर्नर एक क्लीन एनर्जी सोर्स देता है जहां से तुम लोगों को ब्लैक सूट ऐसे बाहर निकलते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करते गए तो समझो कि तुम लोगों के पास एक कोनिकल फ्लास्क था जिसके अंदर कोई एक सॉल्ट है। ठीक है, तुम लोगों को अगर फ्लेम टेस्ट करनी है तो तुम लोग घर पे भी कर सकते हो। अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि ये NaCl है। ठीक है, हम लोग इसमें थोड़ा सा HCl ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा HCl ऐड करते हैं एंड फिर प्लैटिनम लूप लेते हैं। ये हम लोगों की प्लैटिनम लूप। प्लैटिनम लूप अगर तुम लोगों को पता नहीं है, कॉलेज जाओगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लैटिनम लूप के ऊपर हम लोग ये सॉल्ट अटैच कर देते हैं। प्लैटिनम लूप के ऊपर यहाँ पे ये सॉल्ट है, ठीक है, एंड बाद में ये प्लैटिनम लूप हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। सर, ये प्लैटिनम लूप मतलब वो ना, उससे कैंडल वगैरह हाइड्रोजन है या नहीं उसके लिए डालते हैं ट्यूब में। हाँ करेक्ट, करेक्ट, चम्मच जैसा दिखता है थोड़ा, चम्मच जैसा नहीं, हाँ बट चम्मच नहीं बोल सकते, एक छोटी सी वायर रहती है और कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने NaCl HCl में थोड़ा सा मिक्स किया था, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा HCl ऐड कर दिया था, एक दो बूंद HCl ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसे थिक पेस्ट बनती है एंड वो थिक पेस्ट हम लोग लेके यहाँ पे अटैच कर देते हैं। फिर बर्नर का कलर चेंज होता है और वो कलर हम लोग नोटिस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने NaCl लिया था तो NaCl की वजह से तुम लोगों को फ्लेम येलो कलर की दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को जहाँ पे तुम लोगों ने NaCl रखा है वहाँ पे ऐसे येलो कलरेशन दिखना स्टार्ट होता है। अब ये अगर तुम लोगों को घर पे करना है तो और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नमक लो, गैस ऑन करो और उसके ऊपर ऐसे छिड़क दो। ठीक है, तो तुम लोगों को येलो कलर अपने आप दिख भी जाएगा। हाँ, गोल्डन येलो, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक दिस कलर इज गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। ठीक है, तो तुम लोगों को एक गोल्डन येलो कलर दिखना स्टार्ट होता है। तो दिस इज फ्लेम टेस्ट। ठीक है, अब उसी बदले अगर हम लोगों ने KCl लिया NaCl के साथ, तुम लोगों को समझ में आ गया मतलब सोडियम का कलर क्या रहता है, सोडियम हम लोगों को देगा गोल्डन येलो। ठीक है, वैसे ही अगर लिथियम क्लोराइड लिया तो हम लोगों को मिलता है क्रिमजन रेड। अगर हम लोगों ने KCl लिया तो हम लोगों को मिलता है पेल येलो। अगर हम लोगों ने RBCl लिया तो हम लोगों को मिलता है रेडिश वॉयलेट। एंड अगर हम लोगों ने सीजियम क्लोराइड लिया तो हम लोगों को मिलता है ब्लू वॉयलेट, ब्लूइश वॉयलेट। ठीक है, तो ऑप्शन में ये ढूंढना एकदम इजी हो जाता है, डोंट वरी। अब आगे
अगर तुम लोगों ने बेरिलियम का सॉल्ट लिया, मतलब BeCl2, ये ग्रुप वन के लिए था, अब ग्रुप वन के बाद ग्रुप टू, BeCl2 लिया, नो कलर, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। अगर तुम लोगों को MgCl2 मिल गया तो भी नो कलर, ये तुम लोग कॉलेज में करोगे। अगर कैल्शियम क्लोराइड लिया तो ब्रिक रेड, अगर स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड लिया तो क्रिम्जन रेड, क्रिम्जन रेड दो बार आ गया ना, ये एक बार चेक करना इसका कलर क्या है, क्रिम्जन ही है या कुछ और, मतलब रेड ही है, बट रेड की कौन सी शेड है वो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि क्रिम्जन रेड आई गेस दो बार नहीं, लाइलैक रेड, दैट इज लाइलैक रेड, याद आया तो दिस वन इज लाइलैक रेड। अब ये कलर में का डिफरेंस मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैंने बहुत बार फ्लेम टेस्ट किए, मुझे सब कुछ लाल ही दिखता है, ठीक है। तो वो तुम लोग खुद एक बार लैब में जाके देखना कौन सा लाइलैक है, कौन सा ब्रिक है, कौन सा क्रिम्जन है, मुझे सब सेम दिख रहा था, ठीक है, जब मैंने किए। तो दिस इज लाइलैक रेड, ठीक है। अब BeCl2 ये मुझे समझ में आता है, इट इज एप्पल ग्रीन, मस्त ग्रीन कलर दिखता है, ठीक है, तो एप्पल ग्रीन। लेड के साथ अगर तुम लोग फ्लेम टेस्ट करोगे, ये बाद में हम लोग बाकी कंपाउंड्स भी देखेंगे जब एनालिसिस में जाएंगे, ठीक है। तो लेड के कंपाउंड्स हम लोगों को व्हाइट फ्लेम देते हैं, मस्त दिखता है। एंड सिमिलरली अगर तुम लोग यूज कर रहे हो, और कौन सा कंपाउंड है जो अच्छा कलर कोई देता है, हाँ ठीक है, मतलब एक लेड है जो व्हाइट कलर की फ्लेम देते हैं, तो इट लुक्स नाइस, ठीक है। आयरन नहीं, कॉपर तुम लोगों को ग्रीन फ्लेम देता है, ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। जिंक भी हम लोगों को ऐसे कुछ फ्लेम टेस्ट में ज्यादा कलर नहीं दे पाता, ठीक है, ओके। अब ये होता क्यों है, KCl गिव्स पर्पल, हाँ मैंने भी पर्पल ही लिखा है ना, पेल येलो लिखा है क्या, सॉरी पेल येलो नहीं, माई बैड, वो गोल्डन येलो तो नीचे मैंने पेल येलो लिख दिया, पेल वॉयलेट, हाँ पेल वॉयलेट, वो पेल वॉयलेट आना चाहिए था, मैंने गलती से तुम लोगों को येलो लिख के दे दिया, ठीक है, पेल वॉयलेट। अक्षय करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस, तुम लोगों को पता ही है ये, तुम लोगों को ये पता है पहले से फ्लेम टेस्ट कैसे मिलती है? नो सर। ओके चलो देखते हैं। तो देखो यूजुअली कैसे होता है, हम लोगों के पास एक प्रोटॉन है, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं मेरे पास लिथियम है, अभी के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे मेरे पास लिथियम है, अब अगर लिथियम है से ज्यादा हो गया ना क्या ना, एक मिनट, तो मैंने बहुत बार बोला है ना, रहने के लिए लोग नहीं है तो घर भी नहीं होते, ऐसे कंपलसरी नहीं है। तो लिथियम में सेकेंड शेल के बाद थर्ड शेल है, उसके बाद सेवेंथ एट नाइन्थ एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स रहते हैं। हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि शेल्स भी नहीं है, यहाँ पे शेल्स है, ठीक है, सिर्फ हम लोग वो ड्रॉ नहीं करते क्योंकि हम लोगों को आलस आता है ना, इसीलिए, ठीक है। अब मैंने इसको किया हीट, हीट करने की वजह से लिथियम को मिली एनर्जी। अब मुझे बताओ एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, जंप, एक्साइटेशन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन से झुप बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये क्यों निकला, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी, इसको बहुत सारी एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गया, ठीक है। अब बाहर जाने के बाद इसको पता चला कि भाई दुनिया बहुत कमी नहीं है, बाहर जाके कुछ हो रहा नहीं है, अपने को कोई दूसरा मिल रहा नहीं आइटम, तो इसने बोला कि नहीं अपने घर पे ही वापस चले जाते हैं, तो ये वापस ऐसे अंदर आ गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताओ बाहर जाते वक्त इसने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, हीट एनर्जी, ठीक है, बट अंदर आते वक्त ये हीट एनर्जी वापस नहीं देगा, ये हम लोगों को देता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है? यस सर। ओके अब अगला क्वेश्चन अभी देखना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और लाइट एनर्जी मिली, ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और लाइट एनर्जी मतलब एच न्यू मिला,
ठीक है, लाइट एनर्जी को हम लोग एच न्यू से दिखाते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अब ये तुम लोगों की फ्लेम टेस्ट में ऐसे कुछ प्रोसीजर होती है। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, विच एलिमेंट विल एब्जॉर्ब हाईएस्ट एनर्जी, विच एलिमेंट विल एब्जॉर्ब हाईएस्ट एनर्जी। मैसेज करना, तू इन करेक्ट आंसर है, अक्षय करेक्ट आंसर है, ध्रुव करेक्ट आंसर है, अजिंक्य करेक्ट, सर्व करेक्ट, सबके करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखो यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन ना। एंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी रहती है, तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी, किसी ने तो हैंड रेस किया है तो जरा हैंड डाउन कर दो, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है लिथियम की, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब अगर लिथियम कर रहा है तो वो लाइट भी जो इवॉल्व करेगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी की होगी या सबसे कम एनर्जी की होगी? वो भी सबसे ज्यादा होगी, अगर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उतनी तो एनर्जी की वो लाइट सेंड करेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन, लाइट मतलब फोटोन ना, फोटोन is given out, ठीक है। अब मुझे बताओ एनर्जी अगर ज्यादा तो फोटोन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी? तो तू इन करेक्ट है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी फोटोन होगा लिथियम का। एंड मुझे बताओ अगर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम या मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम या मिनिमम, तो लोवेस्ट वेवलेंथ, करेक्ट, लोवेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो ये लिथियम के लिए मैंने लिख के दिया है, सीजियम के लिए उल्टा हो जाएगा, लीस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब, लीस्ट या फिर लोवेस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन आउट, लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी एंड हाईएस्ट एनर्जी, सॉरी हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो लिख लो ये सब कुछ रामायण फ्लेम टेस्ट का। फ्लेम टेस्ट यूजुअली हम लोग एनालिसिस में पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने बताया नहीं था, बट अभी अगर एमसीक्यू में आ गया है तो कर ही देंगे। सॉल्ट एनालिसिस हम लोग करेंगे ही, पढ़ेंगे अलग से, तो तब वापस थोड़ा बहुत ये सब आएगा। लिख दो ये फ्लेम टेस्ट का सब कुछ, देन विल कंटिन्यू। ओके, तो आगे कंटिन्यू करें। चलो सर, वन मिनट सर। सर बोलो सर, सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी तो सर उसका मतलब लैम्डा भी सबसे ज्यादा होना चाहिए ना सर, तो हाँ, तो हाईएस्ट वो रेड रेड की तरफ होना चाहिए ना सर, फिर वायलेट कैसे? वो कलर डिपेंड करता है, हम लोग ऐसे ये नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस इज ब्लूइश वायलेट, ये यही कलर देता है, तो हम लोग जस्ट ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं बट कंपाउंड क्या देगा वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। एक मिनट, फिर भी मुझे एक बार सोचने दो। ओके 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 अभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर का ये होगा,
यहाँ पे लॉजिक कॉम्प्लीमेंट्री कलर का आने वाला है. मैंने तुम लोगों को जो बताया दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम, मैंने तुम लोगों को स्पेक्ट्रम एमिशन का पढ़ाया एमिशन, ठीक है. एंड यहाँ पे जो कलर्स है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के है. नहीं अभी के लिए छोड़ दो, ये याद रखना दिस इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, दिस इज करेक्ट, इतनी गारंटी है. और अभी एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर वो स्टार्ट कर दिया ना हम लोगों ने तो हम लोग पहुंच जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में एंड फिर पूरी तरह से डिबेट हो जाएंगे टॉपिक पे. हाँ तो तुम लोगों को मैंने तभी कॉम्प्लीमेंट्री कंपास ये बताया था, क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का लॉजिक बताया था. तो जो कलर रिलीज होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोगों को दिखता है ऐसे कुछ, तो वो एक बार चेक कर लेना. यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम का लॉजिक आएगा, सॉरी एमिशन नहीं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का. मैंने तुम लोगों को ये जो बताया वो लाइट एमिट हो रही है ना, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का लॉजिक यहाँ पे आएगा फिर अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख रहे हैं तो. लेट इट बी, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक हम लोगों का कवर अप में खत्म नहीं हुआ है, वो हम लोग आगे करने वाले हैं. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन अल्कली मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ये एकदम इजी है, ठीक है. नेल्सन सेल इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है. अक्षय बोलो डाउट क्या है. अब द मटेरियल यूज्ड इन, अच्छा बोलो अक्षय. सर सर इवन दो इफ वी से दैट द सॉल्ट्स का जो कलर है इट इज ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बट व्हेन वी सी द कलर वी आर बेसिकली सीइंग व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सॉल्ट, राइट. वही तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, रिफ्लेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं मतलब एमिशन, सॉरी एमिशन नहीं एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब होके जो बाकी बचा रिफ्लेक्ट हुआ वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कलर की बात कर रहे हो ना आप. हाँ, सो इफ वी आर सीइंग द रिफ्लेक्टेड स्पेक्ट्रम, सो डू वी सी द रिफ्लेक्टेड स्पेक्ट्रम और द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ओके लेट्स सी, देखो जब हम लोग बोलते हैं कि एक लीफ का कलर कौन सा रहता है, ग्रीन, ग्रीन, तो ये ऐसा क्यों दिखता है, तो ऐसा दिखने का reflected, all others are absorbed. करेक्ट, हम लोग यहाँ से व्हाइट लाइट पास करते हैं एंड व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ होल विबग्योर, यहाँ पे येलो भी है, ब्लू भी है, रेड भी है एंड ग्रीन भी है, ठीक है. अब ये तीनों कलर यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये तीनों कलर यहाँ पर आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लीफ इसे एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में यूज करता है एंड ग्रीन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है एंड ये ग्रीन कलर हम लोगों के आंख में चला जाता है, हम लोगों की आंख इसको कैप्चर करती है एंड हम लोगों को वो दिखता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. तो सेम लॉजिक यहाँ पे है कि लिथियम लोवेस्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा एंड बाकी की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम लोग वो बाकी की वेवलेंथ देखते हैं. तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे आने वाला है, गेटिंग इट? यस सर. हाँ बट हाँ म्यू से तो हमें वो मतलब कौन से फोटोन जो आ रहा है उसका हम वेवलेंथ निकालते हैं, राइट, जो मतलब फोटोन निकल गया है. हाँ तो उसकी प्रोसीजर तो... अलग अलग होती है, मतलब कि दो टाइप के स्पेक्ट्रम है, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. एक अभी ये जो है ना ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, जो कुछ एब्जॉर्ब हुआ है वो, एंड दूसरा एक है एमिशन स्पेक्ट्रम कि एमिशन होने के बाद हम लोगों को क्या दिख रहा है. तो एमिट होने के बाद मतलब ये एब्जॉर्ब करने के बाद जब एमिट होता है तो इसे हम लोग बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्ब सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी बचती है उसे हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो ये दो अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम है, तो अभी हम लोग वहां पे नहीं घुसते हैं, फिर ये अननेसेसरी फिर लेंदी होते जाएगा. अभी हम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखनी है जिसमें सिर्फ फ्लेम टेस्ट इंपॉर्टेंट है एंड फ्लेम टेस्ट कैसे होती है तो मैं थोड़ा फिजिकल में घुस गया था, ज्यादा हम लोग नहीं अंदर घुसते. ओके सर, ठीक है.
फिर भी अगर कभी डाउट होगा तो हम लोग नेचर ऑफ केमिकल सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी रहे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इसके ऊपर थोड़ा वापस डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब नेल्सन सेल इज यूज्ड इन कॉस्टिक सोडा, ठीक है, ये कॉमन है। दिस इज बेराइट्स, बी ए आर वाई टी एस, एस आना चाहिए था, गलती से ए टाइप हो गया, ठीक है, तो दिस इज बेराइट्स। अब द मटेरियल यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल कंटेंस, बताओ क्या प्रेजेंट रहता है, ये तुम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता चलेगा। सीजियम प्रेजेंट रहता है, याद रखो एनसीईआरटी पढ़नी है हम लोगों को, सीजियम प्रेजेंट रहता है, करेक्ट बोल रहे हो। अब सीजियम प्रेजेंट रहने का रीजन ये पता रहना चाहिए, तो सीजियम क्यों प्रेजेंट होता है बताओ, फोटो केमिकल सेल्स में सीजियम क्यों प्रेजेंट रहता है? वेरी नाइस यश, इट हैज लोवेस्ट एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सीजियम की एनर्जी सबसे कम रहती है आयनाइजेशन की, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकलता है और हम लोगों को इलेक्ट्रिकल करंट इजीली मिलना स्टार्ट हो जाता है, परफेक्ट, ठीक है, हेंस सीजियम इज यूज्ड इन फोटोकेमिकल सेल। ओके, आगे याद रखो ये नीट के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बट अगेन हम लोग इन जनरल किसी भी एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अब अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज ब्लू डी टू, किसके वजह से ये प्रेजेंट रहता है? अजिंक्य करेक्ट आंसर है, आयुष करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, अक्षय करेक्ट आंसर है, कोमल करेक्ट है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, मैंने तुम लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन्स को अमोनिया सराउंड कर लेता है, कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्वेश्चन नंबर 11 है आएगा से 11 या 12, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, कोई एक मेटल है फॉर एग्जांपल सोडियम जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, तुम लोगों ने इसको अमोनिया में ऐड कर दिया, तो होता क्या है, सोडियम सेपरेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन से, फिर सोडियम को अमोनिया सराउंड करेगा, इलेक्ट्रॉन को भी अमोनिया सराउंड करेगा, अमोनिया में हाइड्रोजन सराउंड करेंगे इलेक्ट्रॉन को क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, एंड सोडियम को कवर करने का या फिर सराउंड करने का काम करेगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट किसी चीज को सराउंड कर लेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेशन, क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन, एंड अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो हाइड्रेशन, गेटिंग इट, ओके। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सबको पता है सीजियम है, करेक्ट। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, अब देखो ये इस टॉपिक का है इसलिए हम लोगों को डायरेक्ट पता चलेगा, बट अगर हम लोगों को मिक्स क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 3s2 3p6 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, ठीक है। अब 4s1 देखते ही हम लोगों को पता चलना चाहिए 4s1 मतलब ये कौन से ब्लॉक का हो गया, ये s ब्लॉक का हो गया, एंड s ब्लॉक में सारे के सारे क्या है, 4s1 देखते ही हम लोगों को पता चलेगा कि ये ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 में सारे के सारे मेटल्स है एंड मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसी बदले अगर तुम लोगों को दिखता ऐसे आ जाता, ये भी तो आ सकता है, तो मुझे बताओ ये क्या बोलते तुम लोग, इसका ऑक्साइड क्या होगा, ओके। तो क्लास हम लोग ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे आज, 8 बजे तक मैं तुम लोगों को फ्री कर दूंगा, जरा क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि 3p5 मतलब ये ग्रुप 17 हो गया, ग्रुप 17 मतलब हेलोजन्स नॉन मेटल्स, एंड हेलोजन क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आने चाहिए, ओके आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल हैज द स्मॉलेस्ट साइज, अब एक्वियस मीडियम नहीं है, तो एक्वियस मीडियम नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस आर्यन आपका मैसेज आ रहा है, क्यों आपने कुछ भेजा था क्या, ओके द स्मॉलेस्ट मेटल यहाँ पे लिथियम है, करेक्ट बोल रहे हो। Which of the following does not form peroxide on heating? अरे वापस एक बार सेंड करो, मिस हो गया होगा, रीड नहीं किया होगा मैंने। So which of the following does not form peroxide? Correct, lithium. ठीक है, peroxide के लिए तुम लोगों को क्या याद रखना है, हेलिना की, नहीं क्या है, हेलिना की नहीं, नेहा बिपाशा, ठीक है, वो याद रखना है।
नथिंग एल्स, तो यहाँ पे लिथियम हो जाएगा, करेक्ट है. सी ए ऑल्सो, अच्छा यहाँ पे सी ए भी है. इसका पीछे आंसर देखो क्या दिया है, इसका पीछे आंसर देखो. ऑप्शंस टाइप करते वक्त गलत हो सकता है प्रिंट, ठीक है, तो लिथियम ही दिया है ना, तो अभी के लिए लिथियम लिख दो. कैल्शियम जहां तक भी हो सकते हैं ना, डबल आंसर हो सकते हैं, बट जहां तक मुझे याद है कैल्शियम तो पेरोक्साइड बनाता है नहीं, ठीक है, तो क्या पता. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. सर कैल्शियम बनाता है सर, गूगल किया था. हाँ सर गूगल किया था. ओके तो कैल्शियम बनाता है अपेरेंटली, तो कैल्शियम CaO2 होता होगा, तो ठीक है लिख दो. कैल्शियम भी हम लोगों के न्यूमोनिक्स में ऐड कर देना कहाँ पे, तो कैल्शियम पेरोक्साइड बना रहे हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. और रुबिडियम भी बनाता है. रुबिडियम, ओके तो रुबिडियम भी ऐड कर देना ना. नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल. ये सेम क्वेश्चन अगर तुम लोग को याद होगा हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में किया था, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में किया हुआ है, तो ये एक बार चेक कर लेना, इजी है तुम लोगों को होमवर्क में. द अल्कली अर्थ मेटल विच डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू बेंसन बर्नर. ओके इसका आंसर इजीली समझ में आ जाएगा. ऑप्शन वन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम गिव्स कलरलेस कलर, मतलब कलरलेस रहते हैं वो कलर शो नहीं करते. तो वन नॉट बेरिलियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम शोज ब्रिक रेड. आगे बढ़ते हैं. इन इफ एक्स एंड वाई आर सेकंड आयनाइजेशन इन पोटेंशियल ऑफ अल्कली एंड अर्थ मेटल. ओके ये पीरियोडिक टेबल का ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, वी कैन स्किप दिस. तो आगे हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ एम जी प्लस टू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, बताओ इसका आंसर बताओ. अक्षय करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट है, बाकी के स्टूडेंट्स आंसर बताओ. डेविड करेक्ट आंसर है, कोमल करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, ओके स्नेहा करेक्ट है. ओके अब हाइड्रेशन एंथैल्पी में पहले तो हम लोग हमेशा देखेंगे चार्ज ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, तो Mg प्लस टू से कम चार्ज कौन सा है, सोडियम का है, तो सोडियम विल हैव लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी देन मैग्नीशियम, ठीक है. अब चार्ज के बाद हम लोग जाएंगे साइज की तरफ, ठीक है, तो अब मैग्नीशियम और बेरिलियम के ऊपर दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो ऐसे टाइप में हम लोग साइज देखेंगे, जितनी छोटी साइज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो यहाँ पे आएगा बेरिलियम, ठीक है. याद रखो चार्ज टू साइज रेशियो हम लोगों को दिया नहीं होता, तो हम लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, पहले चार्ज फिर साइज. प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विद डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल इज, ओके करेक्ट आंसर है कोमल. बताओ जरा ये रीड करो और सोचो ये इसका आंसर क्या आएगा. ओके सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं. सो ओवर हियर इट्स नॉन मेटलिक कैरेक्टर. याद रखो ग्रुप वन के सारे एलिमेंट्स मेटल है, हाइड्रोजन ये इकलौता एक नॉन मेटल बच जाता है, इसलिए हम लोग उसको ग्रुप वन में स्टडी नहीं करते. मैंने ग्रुप वन के एलिमेंट्स लिखते वक्त कभी भी हाइड्रोजन लिखा नहीं है, याद रखना. तो सर उधर लिखते क्यों है उसको फिर ऐसे, मतलब उधर क्यों प्लेस किया? मैंने पीरियोडिक टेबल जब भी बनाया ना मैंने ऐसे बनाया था, इफ यू डू रिमेम्बर ना, तो ये जस्ट इसका 1s1 रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में ऐड करते हैं, बट बीच में गैप रहती है टू शो दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और बाकियों का भी 2s1 ब्ला 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 ऐसे ही है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको, बट हाइड्रोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप 1, याद रखो. इसको हम लोग अलग से एक अलग चैप्टर में, हाइड्रोजन करके चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे. अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल ये तो सबको पता है. इन इंडिया एट द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी के टाइम पे द फायर वर्क यूज टू गिव ग्रीन फ्लेम, नहीं सॉरी द फायर वर्क यूज गिव्स ग्रीन फ्लेम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स मे बी प्रेजेंट. ओके एक्चुअली यहाँ पे रेडिकल निकाल के कटाइन कर दो एंड सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है. हम लोगों ने
फ्लेम टेस्ट अभी देखा था, फ्लेम टेस्ट में जलने के बाद ग्रीन कलर कौन देगा? बेरिलियम देगा, सॉरी बेरिलियम बोल रहा हूँ, बेरियम देगा, ठीक है? तो बेरियम गिव्स एप्पल ग्रीन कलर। उसी बदले अगर तुम लोगों को बोला होगा वॉयलेट कलर कौन देगा, तो मुझे बताओ वॉयलेट कलर, फायरवर्क्स में अगर वॉयलेट कलर दिखा तो कौन देगा? पोटेशियम देगा, करेक्ट। अगर क्रिमजन रेड रहता तो क्रिमजन रेड, क्रिमजन रेड, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, क्रिमजन रेड। यहाँ पे ऑप्शन में वो आंसर नहीं है, यश करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन में वो आंसर नहीं है, नया करेक्ट आंसर है। तो क्रिमजन रेड स्ट्रॉन्शियम देता है, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम। लिथियम लाइलैक रेड देगा, तो लिथियम हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्रिमजन रेड जरा डार्क कलर शेड रहती है, तो इसकी वजह से हम लोग उसको फायरबॉक्स में यूज करते हैं, ऐसे ऊपर जाने के बाद तो दिखना भी चाहिए ना, तब अच्छा लगेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड चलो देखते हैं। वॉशिंग सोडा इज, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला तुम लोगों को सिर्फ पूछा है, करेक्ट है। सेकेंड Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो इज सॉल्वेंट प्रोडक्ट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो और इसका आंसर बताओ। पीछे के आंसर डायरेक्ट मत देना, मतलब जो कोई पीछे से आंसर पहले से देख के है ना, आंसर्स मत दो प्लीज। ये तुम लोगों को अगर याद होगा मैंने तुम लोगों के एग्जाम में भी डाला था, याद है ये? हाँ ये एग्जाम में भी मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस ऐड करता हूँ जो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, ठीक है। यूजुअली मैं एग्जाम में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस ऐड करता हूँ जो सिलेबस में मैंने कवर नहीं किए, सो दैट एटलीस्ट कोई डाउट पूछे या फिर तुम लोगों को उसके ऊपर भी पता चले कि हाँ अपना ये पार्ट पढ़ाना पढ़ाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर तुम लोगों को पता होगा, थर्ड है, ये एग्जाम में भी था, KHCO3 इज मोर सोल्यूबल देन NaHCO3। जरा सॉल्वेस प्रोसेस में तुम लोगों को याद दिला देता हूँ, स्पेलिंग कुछ तो ऐसी है, सॉल्वेस प्रोसेस, ठीक है। सॉल्वेस प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं अमोनिया, इसमें ऐड करते हैं H2O, इसमें ऐड करते हैं CO3। इस रिएक्शन में हम लोगों को मिलता है NH4 ट्वाइस CO3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 times कर दो एंड बाकी सब कुछ बैलेंस्ड है। बाय द वे ओवर हियर CO2 आना चाहिए था। ये फर्स्ट स्टेप थी। अब सेकंड स्टेप में हम लोग NH4 ट्वाइस CO3 को वापस रिएक्ट करते हैं H2O एंड CO2 के साथ टू गिव यू NH4H CO3, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन देखो बैलेंस्ड है। हाँ मैं तुम लोगों को PDF शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अब इसके बाद हम लोग NH4HCO3 को रिएक्ट करते हैं NaCl के साथ, जिसमें NH4Cl निकल जाता है एंड वी गेट NaHCO3। उसके बाद मैंने तुम लोग, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 में होता है एंड फिर उसके बाद मैंने तुम लोगों को स्टेप 3 लिख के दी थी। NaHCO3 हीट करने के बाद हम लोगों को मिलता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। याद है ये सॉल्वेस प्रोसेस, सबको याद होगी, तभी मैंने आराम से पढ़ाई थी, अभी मैं जस्ट तुम लोगों को रिवाइज कर रहा हूँ, तो जरा रिएक्शन से लिख दी। अब यहाँ पे पहली बात, मतलब मुझे बताओ रिएक्शन कौन से मीडियम में होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन कौन से मीडियम में होती है? Aqueous. Aqueous, very nice. अब मुझे बताओ तुम लोगों को NaHCO3 चाहिए और उसको हीट कर रहे हैं, तो तुम लोग पानी के साथ उसको हीट करोगे क्या? हम लोग पानी के साथ कभी हीट करने ही नहीं वाले। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको क्रिस्टलाइज करेंगे। क्या करेंगे? क्रिस्टलाइज। अब क्रिस्टलाइज कैसे किया जाता है तो चलो देखते हैं। तुम लोगों ने कभी गुलाब जाम खाए? गुलाब जाम, यस। अब गुलाब जाम ऐसे बर्तन में, ठीक है, बर्तन के गुलाब जाम खत्म हो गया, ठीक है, सिर्फ बर्तन है अभी, ठीक है, खा लिया हम लोगों ने एंड इसके अंदर वो शक्कर का पानी रहता है बहुत मीठा मीठा, ठीक है। गुलाब जाम खत्म होने के बाद उसको फ्रीजर में रख दो, ठीक है, गुलाब जाम खत्म होने के बाद उसको फ्रीजर में रख दो, हाँ चाशनी बोलते हैं इसको, करेक्ट, एंड फ्रीजर में रख दो और अगले दिन उसको देखना वो कैसे दिख रहा है। फ्रीजर में रखने के बाद वो कैसे दिखना स्टार्ट होता है? हाँ ना, यहाँ पे ऐसे क्रिस्टल आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये शुगर के क्रिस्टल्स रहते हैं,
ये किसके क्रिस्टल रहते हैं? शुगर के। सेम टाइप की एक थोड़ी सी प्रोसीजर हम लोग यूज करते हैं केमिकल्स को भी क्रिस्टलाइज करने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम लोग केमिकल्स को भी क्रिस्टलाइज करने के लिए यूज करते हैं। थोड़ी अलग प्रोसीजर है बट स्टिल ऑलमोस्ट सेम है। अब क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद हम लोग उसको फिल्टर करते हैं। इसको एक पेपर में से, फिल्टर पेपर में से पास करेंगे, क्रिस्टल साइड में लेंगे एंड उसके बाद इसको हीट करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने शुगर का एग्जांपल लिया, सेम वे मैंने NaCl का सोल्यूशन बनाया। किसका सोल्यूशन बनाया? NaCl का। बहुत सारा NaCl ऐड किया, घर पे जाके ट्राई करके देखना, पानी है उसके अंदर दुनिया भर का NaCl ऐड करके रखा है एंड इसको मैंने फ्रीज कर दिया, फ्रीजर में रख दिया। मुझे बताओ अगले दिन नमक दिखेगा क्या? अगले दिन नमक दिखेगा क्या? यहाँ पे शुगर था और यहाँ पे NaCl है, दोनों को मैंने चिल किया तो क्या लगता है नमक दिखेगा? तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, नो क्रिस्टल्स आर फॉर्म। अब ये भेदभाव क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसका एक सिंपल रीजन है, रीजन NaCl इज हाईली सल्यूबल इन वॉटर। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर, हाँ बाय द वे, व्हाई NaCl इज हाईली सल्यूबल इन वॉटर एंड शुगर इज लेस सल्यूबल इन वॉटर? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई NaCl इज हाईली सल्यूबल इन वॉटर एंड शुगर इज लेस सल्यूबल इन वॉटर? बताओ। करेक्ट बोल रहे हो अजिंक्य, शुगर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रहने की वजह से इसके अंदर रहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। NaCl ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर रहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड्स आर सल्यूबल इन वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस सल्यूबल इन वाटर। अब इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड रहते हुए भी ये पानी के अंदर सल्यूबल है, ये क्यों होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सेम वे जब हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, अगर सेकेंड स्टेप में अगर हम लोगों ने NH4HCO3 के साथ KCl ऐड कर दिया तो हम लोगों को मिलेगा KHCO3, बट KHCO3 इज नॉट क्रिस्टलाइज्ड, नॉट क्रिस्टलाइज्ड। क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज हाईली सल्यूबल इन वॉटर। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा चौड़ा चला गया बट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा KHCO3। ओके, लेट मी सी। मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि और शुगर वाटर में NaCl के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। मैंने ऐसे बोला क्या कि वाटर के क्रिस्टल मतलब बर्फ नहीं बनेगा? नहीं। तो अरे ब्रेक नहीं, हम लोग 8 o'clock को लेक्चर बंद ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रेक नहीं लेते आज, 8 o'clock को तुम लोगों को मैं छोड़ दूंगा। हाँ, तो याद रखो मैंने क्या बताया कि क्रिस्टल्स किसके नहीं बनेंगे? NaCl के, बर्फ के नहीं बनेंगे ऐसे नहीं। और एक अच्छा क्वेश्चन था आयुष का, ये क्वेश्चन था कि पोलर रीजन में तो आइस कैसे फॉर्म होता है? तो याद रखो पोलर रीजन में हम लोगों को जो आइस दिखता है ना, दैट थिंग इज प्योर वाटर। इसके अंदर NaCl प्रेजेंट रहता ही नहीं है, NaCl को क्रिस्टलाइज कर नहीं सकते हम लोग कूल डाउन करके। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो पोलर रीजन में जो आइस क्यूब्स रहते हैं वो प्योर आइस रहता है, प्योर वाटर रहता है, वो NaCl के साथ मिक्स नहीं होता। आयुष डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अमाइड? बताओ अमाइड कौन फॉर्म करता है? yes, ये हम लोगों ने रिएक्शन आज ही देखी थी, आंसर करो। वेरी नाइस, करेक्ट है यश। बाय द वे तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। yes, इसका आंसर फोर्थ है, एन ए। ठीक है, सोडामाइड हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो याद रखो थियरी में से ही सारे क्वेश्चन है, एक आध दूसरा ये अभी अगर एक एक्सेप्शनल देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 25 एक्सेप्शन था, बट थोड़े बहुत ही एक्सेप्शन मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल कार्बोनेट्स इज लीस्ट स्टेबल एंड डिकम्पोजेस रेडिली? ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम था, करेक्ट आंसर है कोमल। Li2CO3, याद रखो मैंने तुम लोगों को बहुत बार बोला है कि होमवर्क करते वक्त तुम लोगों को वहां पे एक्सप्लेनेशन लिखना है,
तो तुम लोगों को ये क्या लिखना है यहाँ पे, Li2CO3 हीट करने के बाद गिव्स यू Li2O प्लस CO2, ये ऐसी रिएक्शन तुम लोगों को लिखनी है एंड फिर ऐसे बोलना है कि ए आंसर करेक्ट है या फिर नीचे आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है, तब मुझे लगेगा कि हाँ तुम लोग कुछ तो कर रहे हो। हाँ तू इन डाउट बोलो, सोडियम कार्बोनेट का डाउट आपका, हैंड रेज करना है, ओके। डाउट ये है कि Na2CO3 डज नॉट रिलीज CO2 एट हाई टेम्परेचर बट इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ओके चलो देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में यूज क्या होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग यूज करते हैं NaHCO3 प्लस H2O। अरे कुछ लोगों को पहले से पता है, तो NaHCO3 प्लस H2SO4 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हम लोगों को मिलता है NaHSO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे CO2 कौन से रिएक्शन की वजह से रिलीज हो रहा है, एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड सोडियम Na2CO3 ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज नहीं करते बट कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, ऐसे भी रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये एसिड है और ये बेस है तो दोनों रिएक्ट कर सकते हैं बट हाई टेम्परेचर पे ये डिसोसिएट होगा क्या, सिर्फ Na2CO3 है और आग के ऊपर डाल दिया और आग हीट कर रही है इसको और हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो नो रिएक्शन, हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। बोलो, तो वो जो फायर रिटार्डेंट्स रहते हैं रेड कलर के, हाँ पाउडर्स, वो क्या कंसिस्ट करते हैं, मतलब कौन सी पाउडर, मुझे समझा नहीं। वो CO2 को रिप्लेस करने के लिए जो पाउडर रहती है देखो रेड कलर की फायर रिटार्डेंट्स, वो पानी के साथ मिक्स करके चिपचिपा सब्सटेंस बनाते हैं और फिर वो आग पे डालते हैं, वो प्लेन से डालते हैं। डोंट हैव एनी आईडिया, वो ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड फायर में यूज किया था क्या, ऐसा कुछ नहीं, दुनिया भर में होता है सर। नहीं कुछ आइडिया नहीं है फिर क्या होता है, देखना पड़ेगा एक बार सर्च करना पड़ेगा। ओके तो विच वन इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड, RBOH ये हम लोगों ने लिखा ही है, AlNO3 ऑन हीटिंग गिव्स, ये भी हम लोगों ने एनामलस बिहेवियर में पढ़ा था, तो इट गिव्स अस 1। याद रखना सोडियम अगर होता NaNO3 तो यहाँ पे आता थर्ड ऑप्शन NaNO2, सोडियम NaNO2 देगा, लिथियम Li2O प्लस NO2 देगा, ठीक है ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिजोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, एकदम मस्त क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। ये एक क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी कैन स्टॉप, बहुत हो गया, मतलब क्वेश्चंस ऐसे कुछ ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है या फिर कुछ वही सारी थियरी रिपीट हो रही है, कुछ मुझे लगा था कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल पाएंगे फिर कुछ मिल नहीं रहा है। ध्रुव योर आंसर इज करेक्ट, यश योर आंसर इज करेक्ट, कोमल योर आंसर इज करेक्ट, डेविड करेक्ट, ओके। तो करेक्ट आंसर NaOH के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो देखो NaOH है, इसके ये बेस है तो तुम लोगों को यूज करना पड़ेगा एसिड, NaOH है ना, हाँ डज नॉट डिजोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो तुम लोगों को एसिड यूज करना है। एंड ये सारे देखो ZN, एल्यूमिनियम, लेड और आयन, चारों के चारों मेटल है। अब मुझे बताओ मेटल कैसे रहते हैं, मेटल बेसिक रहते हैं, तो जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और आयन चारों के चारों बेसिक रहने चाहिए, बट जिंक इज एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक, Tb इज एम्फोटेरिक, तो यहाँ पे
Zn, एल्यूमिनियम और Pb तीनों रिएक्शन दिखा पाएंगे. क्यों दिखा पाएंगे? बिकॉज ये एम्फोटेरिक है, दे कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस. बट NaOH के साथ FeOH twice, no reaction. Why? Because this thing is basic in nature. समझा? Okay, FeOH thrice है. FeOH thrice. ओके, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में मुझे एकदम भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. मुझे इतना पता है कि दो टाइप के रहते हैं, एक जिसमें हम लोग ये मिक्सर यूज करते हैं, दूसरा जिसमें हम लोग पानी यूज करते हैं. ठीक है, बाकी हम लोगों को फायर सेफ्टी एंड ऑल बहुत कुछ पढ़ाया था, बहुत सारे सेमिनार अटेंड करने पर मजबूर किया था, इसमें बहुत सारी चीजें बताई भी गई थी, बट मैं तभी सो रहा था, सॉरी. तो बट स्टिल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में मुझे भी इतनी सारी चीजें याद तो नहीं है क्या क्या यूज होता है एंड ऑल, तो आई कांट आंसर इट. ओके, एंड आई गेस वी कैन स्टॉप ओवर हियर. तुम लोगों को याद रखो, एस ब्लॉक के ऐसे फालतू क्वेश्चंस मत निकालना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विल नॉट गिव CO2. ये हम लोगों ने पहले से करके रखा है. ठीक है, कौन नहीं देता? Na2CO3. सिमिलरली ये जरा ब्लर है बट स्टिल, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वियस मीडियम. ये टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाए हैं. द मेन सॉल्ट सोल्युबल इन सी वाटर, NaCl. ये ऐसे क्वेश्चंस प्लीज मत निकाल के रखना. अब इसी बदले ये वाला क्वेश्चन अच्छा है. KO2 finds use in oxygen cylinder used for space and submarine. The facts related to such use of KO2 is or are. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो तीन रिएक्शंस भी है, तो ये मैं तुम लोगों को अच्छे से बता भी पाऊंगा. तो मुझे क्या बोलना है वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हमें मतलब तुम लोग अभी जब कल आओगे पी ब्लॉक के, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कल. कल डाउट सेशन में हम लोग पी ब्लॉक सॉल्व करेंगे जो बाकी है हम लोगों का, एंड उसके बाद हम लोग एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे. तो ब्लॉक्स में कुछ अच्छे क्वेश्चन ही लाना, नहीं तो पता चला के ओ टू इज तो मुझे सुपर ऑक्साइड ये बताना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा एशेज तो एन ए टू सी ओ थ्री है, तो ये थियोरी वाले क्वेश्चन प्लीज मत पूछना. कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाना ढूंढ के, सो दैट मुझे भी सॉल्व करने के लिए जरा अच्छा लगे तुम लोगों के साथ. ठीक है, तो वी कैन स्टॉप ओवर हियर. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय एंड गॉड ब्लेस यू.